टाइम्स की होगी। 2 दिन बाद तालाब में डूबा राकेश की लाश आई ऊपर। 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत। 35 साल के युवक की लाश पानी में तैरती मिलने से फैली सनसनी। केंद्रीय गन गैरेज फैक्ट्री में देर रात लगी आग। बरगी कलारी से हो रहा शराब का अवैध व्यापार। चतला के प्राचीन तालाब में 2 दिन पहले एक युवक राकेश लखे ने डूब गया था और उसकी पानी में डूबने से मौत की आशंका लगाई जा रही थी, जिसको निकालने के लिए पुलिस प्रशासन व नगरीय प्रशासन ने बहुत कोशिश की। छतरपुर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम बुलवाई गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आज 2 दिन के बाद राकेश की लाश अपने आप पानी में ऊपर आ गई। युवक की तैरती हुई लाश को युवक के भाई लखन लखेर ने बाहर निकाली। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीएम के लिए भेज दिया। पन्ना जिले के सिमरिया में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें राम सिंह बुंदेला की मौत हो गई। महाराजगंज सिमरिया बस स्टैंड में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक गुट के राम सिंह बुंदेला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। एसपी मयंक अवस्थी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। सिमरिया थाने के सामने ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। जबलपुर के गड़ा थाना अंतर्गत मदन महल दरगाह के पास स्थित तालाब में 35 साल के युवक की लाश पानी में तैरती मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा करवाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। अज्ञात लाश की शिनाख्त की जा रही है। ये मदन महल दरगाह के पास तालाब है, यहाँ पे सूचना मिली थी आज कि साहब ने अवगत कराया मेरे को कि सूचना मिली है, जाके तस्दीक करो यहाँ पे। तो आके देखे तालाब के पास में एक अज्ञात पुरुष है, उम्र करीब इसकी होगी मे बी 35 साल करीब इसकी उम्र होगी, और ये पानी में डूबा हुआ मिला है और लग रहा है लास्ट करीब 10 दिन पुरानी हो सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस मामले में 100 पंचनामा कार्रवाई की जा रही है इस पर, और पता तलाश की जा रही है कि अज्ञात पुरुष का नाम पता की तस्दीक की जा रही है कि पता चल जाए इसका, और अभी इसे मेडिकल कॉलेज लेके जाया जा रहा है। जीसीएफ फैक्ट्री में देर रात्रि भीषण आग लग गई। देखते ही देखते चंद ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के मौके पर अफरा तफरी एवं भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की सूचना तत्काल नगर निगम दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंचे दमकल एवं जीसीएफ वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक इस अग्नि हादसे ने महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। बरगी थाना अंतर्गत NH-7 बरगी में पटेल तिराहे पर शराब की दुकानें बुलोलो कार से 261 पाउच शराब पकड़े गए हैं। गांव-गांव बेचने जा रहे मैनेजर मनोज राय को बरगी के युवाओं ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पहुंचते ही मैनेजर और ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद युवाओं ने हंगामा कर दिया। बरगी की शराब की दुकानों से गांव-गांव अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है, जिससे क्षेत्र के युवा नशे के दलदल में धस रहे हैं। थाने में कुछ ज्यादा सूचना मोबाइल फोन द्वारा दी गई कि अंग्रेजी शराब दुकान का मैनेजर मनोज राय एवं उसका ड्राइवर बुलेरो वाहन में अवैध शराब लेकर बेचने को उद्देश्य कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर स्टाफ में एसआई चौधरी, प्रधान आरक्षक सुरेश तिवारी, आरक्षक कवै एवं अन्य स्टाफ को भेजा गया, जो बरगी नगर चौधरी में छोटू माली और आकाश पटेल ने उक्त वाहन को रोके रखा था। वाहन के अंदर से 261 पाव देसी विदेशी मदिरा अवैध रूप से रखी पाई गई, जिसकी कोई कागजात नहीं होने पाया गया।
और उक्त बार में मैनेजर एवं चालक भी नहीं थे। आरक्षक अभय की मदद से उस वाहन को मैं शराब के थाने में लाकर मौके पर जब्त किया जाकर थाने में लाकर रखा गया है, जिनके विरुद्ध 34(1) की कार्रवाई